हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी ग्रुप चैनल में। देखिए, अभी मैं प्रीवियस वीडियो से जो है उसका और बेसिक क्लियर कराना चाहता हूँ। देखिए, फिर से मैंने वो चीज़ बनाई हुई है। अभी मैंने इस चीज़ से ऐसा क्यों बनाया हुआ है, अभी हम दर्शक जो यहाँ से देख रहे हैं उसको क्लियर कराने के लिए कि भाई क्या चीज़ है। तो हम इधर से जब हम देख रहे हैं तो हमें ये जो चीज़ दिख रही है, देखिए अगर मैं इधर पे कोई वस्तु रखूँ, मान लीजिए इस वाले क्वाड्रेंट पे कुछ रखूँ, तो वो क्या होगा कि मुझे दिखेगी। ठीक है, इस पे रखूँगा तो वो मुझे दिखेगी। सपोज दैट ये देखिए, एक मैंने बेलन रखा, ठीक है, एक बेलन रखा, मुझे यहाँ से देख रहा हूँ तो दिखेगा। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर, इसमें भी रखूँ तो भी दिखेगा। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आता है कि ये सामने में आता है। ठीक है, सामने ये वाला क्वाड्रेंट भी सामने में आता है। ठीक, इसके ये जो बेलन है, ये जो बेलन है अगर मैं इधर पे बनाऊं, ये बेलन मैंने इधर बना दिया, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं तो ये दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये वाला प्लेन इसके बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, पीछे पीछे। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं इसमें भी थर्ड में भी बनाऊं तो ये इसमें नहीं दिखेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, जब हम इधर से देखते हैं तो दो क्वाड्रेंट जो हैं वो सामने में आते हैं। सामने में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, और पीछे वाले में कौन कौन से आते हैं, सेकंड और थर्ड आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, जी बीपी के जो इस साइड है वो सामने में आ गए और वीपी के उस साइड जो है वो पीछे में आ गए। ठीक है, अब जी अब इस वाली लाइन पे आते हैं। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वाला हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो अगर है तो वो ऊपर कहलाएंगे और ये नीचे जो है वो नीचे कहलाएंगे। ये देखिए, इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके जो है तो ये किस में आ गया, ऊपर, और ये वाला ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये पीछे था, अभी इसके अभी नीचे, तो सामने तो है नीचे भी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन हम किस में बनाएं। ठीक है, अगर वो कोई क्वेश्चन दिया होगा कि है ना ऐसा ऐसा पॉइंट है, अगर वो है ना इतनी डिस्टेंस पे है तो वो सामने है ऊपर है, तो हम केवल ये फाइंड करने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो हम कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, उसको फर्स्ट में बनाना, सेकंड में बनाना, थर्ड में बनाना है या फोर्थ में बनाना, तो उसे बनाने के लिए आइए एक पॉइंट लेते हैं, उससे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक ए बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, HP, ये होता है VP। ठीक है, वो बोल रहा है ये जो ए बिंदु है वो HP से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक, और BP से 2 सेंटीमीटर सामने, इसका हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये वाले प्लेन से, देखिए वो कह रहा है HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो कितनी बता रहा है, इधर से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, BP से 3 सेंटीमीटर सामने, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस वाले प्लेन से 3 सेंटीमीटर सामने, यानी कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो वो इस तरीके से, तो हमें ये कौन सी वाला कोऑर्डिनेट को बता रहा है, ये बता रहा है कि हम इसको फर्स्ट में ड्रॉ करेंगे। तो हम ये जो तीन चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों को हम कैसे बताएंगे, अगर कोई बोलता है ऊपर और सामने, ऊपर सामने में कौन सा आता, फर्स्ट आता, अगर कोई बोलता पीछे और ऊपर तो वो सेकंड में आ जाता, अगर कोई बोलता पीछे और नीचे और तो वो थर्ड में आ जाता, और कोई बोलता नीचे और सामने। तो ये देखिए, हम अगर हमें याद करना है तो इससे देखिए, वर्टिकल प्लेन से अगर हम देखेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन के इस साइड जो होंगे वो सामने में आ जाते हैं, वर्टिकल प्लेन के जो पीछे होंगे वो पीछे में आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल वाले से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर जो है वो ऊपर और जो नीचे नीचे हैं, तो अगर हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, देखिए अगर मैं आपको और एग्जाम्पल, जैसे बी पॉइंट है, ठीक है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे कि मुझे वो जो पॉइंट प्रोजेक्शन का जो बिंदु है वो कौन से कोऑर्डिनेट में बनाना है। तो जो जैसे बी पॉइंट है, बी पॉइंट वो बोल रहा है कि बी पॉइंट जो है वो एच पी से
चार सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, और क्या बोल रहा है, बीपी से 3 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे, नीचे में हमारे कौन कौन से आते हैं, पहले तो दो दो के नीचे में दोनों आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे एक थर्ड भी आता है और एक फोर्थ भी आता है, ठीक है। अब पीछे में कौन कौन से आते हैं, पीछे में हमारे ये आते हैं, ठीक है, सेकेंड आता है और हमारा थर्ड आता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कॉमन आ रही हैं, वो कौन सी आ रही हैं, ये देखिए थर्ड वाली आती है, ठीक है। तो वो थर्ड वाली जो हमारी है वो दोनों को फिलफिल कर रही है, तो हमारे जो थर्ड वाली जो है वो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो ये देखिए थर्ड में नीचे भी है, ये नीचे भी है और पीछे भी है, इस प्रकार से ये आगे के क्वेश्चन। तो ये देखिए हम किसी भी क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए हम किस किस प्रकार से लिखे हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, सामने है और ऊपर, ठीक है। थर्ड सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ये देखिए ये सामने भी है और ऊपर भी, सेकंड में क्या होता है, पीछे है और ऊपर, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में हमारा क्या होगा, थर्ड में ये देखिए नीचे भी है पीछे भी है, ठीक है, नीचे और पीछे, नीचे और पीछे, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ में, फोर्थ में क्या है, ये वाला, इसमें सामने तो है लेकिन नीचे, लेकिन सामने है लेकिन कहाँ है, नीचे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें क्या किस लिए बताता है कि हम कौन से एंगल में ड्राइंग को बनाएं, कौन से एंगल में हम ड्राइंग है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको हम बताएं, ठीक है।